ओम शांति, ओम शांति। भगवान एक मुरली में कहा कि सुनाया और 11वीं बार आपने बोल दिया तो क्या हो गया? बार आप चुप रहे वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन 11वीं बार आपने बोल दिया तो वो सारे लोगों ने देख लिया। अरे ये भी ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाता। तो क्या करना है? कोई कुछ बोले कहे और हमारी स्थिति खराब ना हो, उसके लिए हम आपको दो चार टिप्स बता रहे हैं। पहला, बाबा ने मैं सहन नहीं कर रहा हूं, बल्कि बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, है ना? नहीं तो इसको मजा चखा सकता था, लेकिन बाबा की आज्ञा है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि तुम एक बार, बाबा के महावाक्य हैं कि तुम एक बार सहन करते हो तो उसी क्षण मैं तुम्हें 100 गुना दुआएं देता हूं कि मेरा बच्चा मेरी श्रीमत पर ये सहन कर रहा है। देखो, एक बार हमने भगवान की 100 गुना दुआएं मिल गई तो ये सहन करना क्या हुआ? तो कोई बोले तो ये सोचो कि इस समय हमें भगवान की 100 गुना दुआएं मिल रही है, तो अंदर से क्या आएगा? भैया और थोड़ा सा बोल लो, आपको पता नहीं कि इस समय हमें कितनी कमाई हो रही है। वैसे भी कहते हैं किसी की दुआ लेना ये सबसे बड़ा पुण्य है, और भगवान की दुआ लेना महापुण्य हो गया। और किसी का एक शब्द सुनने पर भगवान की 100 गुना दुआएं मिल जाए तो कितना बड़ा पुण्य है। अच्छा, तो भगवान की 100 गुना दुआएं मिल रही ये सोचेंगे तो सहन करना सहज। तीसरी बात, हमेशा सोचे कि मुझे करना है, स्वयं को देखना है, स्वपरिवर्तन करना है। बाबा ने कहा जब तुम स्वपरिवर्तन करते हो तो विजय की माला, जो बच्चे पहले स्वपरिवर्तन करते हैं विजय की माला उन्हीं के गले में पड़ती है। एक सिंपल सा बात, जैसे आपका किसी से अनबन हो गया, मन मुटाव हो गया, ठीक है, वो आपसे नहीं बोल रहा है, आप उससे नहीं बोल रहे हैं। अब यहां पर ये बाबा के महावाक्य लाओ कि जो स्व परिवर्तन करेगा, माना पहले यदि हम बोलेंगे तो विजय की माला, और वो बोल दिया तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे गले में पड़े या उसके गले में? हमारे गले में हम चाहते हैं, हमारे गले में, तो क्या करना पड़ेगा? तो यदि किसी से मन मुटाव हो जाए, कुछ बातें हो जाए, है ना, छोटी मोटी बातें हो भी जाती है तो भी वो बात बुद्धि में ना रख करके पहले जा करके बोल देना है। पहले बोलेंगे तो, क्योंकि इसमें हमारा ही स्वार्थ है। तो अब देखना, चाहे क्लास में हो या क्लास कहीं बाहर हो, घर पे हो, कोई जिससे आज तक आपका थोड़ा बहुत छोटा मोटा भी मन मुटाव हो, ना बोलते हो, तो क्या करना है? अगर क्लास में बैठा हो तो होशियार रहना, निकलते ही उससे ओम शांति कर लेना। अगर वो ओम शांति कर लिया तो फिर है ना, तैयार रहना, ठीक है ना, निकलते ही ओम शांति। अच्छा, कोई बाहर है और फिर ऐसे समय पर, लेकिन थोड़ा सा अहम तोड़ना पड़ता है। कई बार हम सोचते ना, हम बोलेंगे तो सामने वाला क्या कहेगा, इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ऐसा नहीं सोचना। बाबा ने कहा जो झुकता है मेरी श्रीमत पर, जो झुकता है वो झुकता नहीं है, लेकिन उसके आगे तो मैं झुक जाता हूं। बाबा कहते हैं, अभी बताओ कि भगवान कहते ये बच्चा मेरी श्रीमत, मन कहने का भाव अपने दिल में नहीं रखना, किसी की बात अपने दिल में नहीं रखना,
नहीं तो हमारा नहीं। एक भी आत्मा के प्रति यदि हमारा मन मुटाव है, हम बातें नहीं करते हैं, हाँ, नफरत की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, तो बैठेंगे बाबा को याद करने और वो आ जाएगा, वो व्यक्ति सामने, वो कहेगा पहले मुझसे तो निपटो, आप मुझसे नफरत करके और चले हो योग लगाने। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा योग सहज लग जाए और कोई रुकावट ना हो, तो अपने मन में किसी भी एक भी आत्मा के प्रति नफरत घृणा की भावना ना हो, तो क्या करना है, अपने आप को बदल लेना है। कोई भी बात हो, पहले अपने आप को चेंज कर लेना है। अच्छा, मानो आपको कोई कुछ बोलता है, सुनाता है, तो जरूर हमारा उसके साथ हिसाब किताब है ना, तभी तो उसने बोला, बिना हिसाब किताब के तो कोई नहीं बोलेगा। तो उस समय हम ये सोचें कि भाई इसने बोला और हमारा हिसाब किताब, अगर नहीं बोलता तो हिसाब किताब फिर क्या होता, बना रहता, और वो हिसाब किताब चुकतू करने फिर हमें कहाँ जाना पड़ता, धर्मराजपुरी। तो उसने क्या किया, आपको बोल करके, आपको सुना करके क्या किया, धर्मराजपुरी से जाने से, तो वो हमारा क्या हुआ, मित्र हुआ या दुश्मन। हाँ, तो उसको जो कोई इस प्रकार से बोले तो उसको दिल से थैंक्स देना कि भाई आप हमारे सच्चे मित्र हो, कि यही अपना हिसाब किताब फिनिश कर लिया, अगर नहीं आप बोले होते तो वहां जाकर के हिसाब किताब चुप तो करना पड़ता है ना। जैसे किसी ज्योतिषी को आप हाथ दिखाते हैं तो उसको पैसा देते हैं, देते कि नहीं देते। अगर इस प्रकार आप किसी से पूछो कि भाई हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी आप मुझे बता दो, हम अपने आप को सुधार कर लें, तो वो नहीं बता सकता, वो सोचेगा मैं बताऊंगा तो ये अपने मन में क्या सोचेगा। और जिस क्षण उससे हमारा थोड़ा मन मुटाव होता है, अनबन होता है, उसी क्षण वो सारा ही क्या करता है, निकाल देता ना, कि आप तो ऐसे हो, मैंने आपको इस समय ये देखा वो देखा। उस क्षण आप साक्षी होकर के सुन लो क्या बोल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि कोई कुछ भी बोलता है तो हम अपने आप को परिवर्तन करें, दूसरे की तरफ उंगली हमें नहीं उठाना है, स्वयं को देखना है, स्व परिवर्तन करना है, और ऐसे स्व परिवर्तन करने वाले ही विजयमाला के अधिकारी बनते हैं।